हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए कैप बनाएंगे। जैसे कैप बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। ये कपड़ा हमारा यहाँ से डबल में है, इस तरह से दो पीस है हमारे। अब ये कपड़ा हमारा यहाँ से मेजरमेंट में 18 इंचेस है और इस साइड से ये हमारा 8 इंचेस है। अब इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी फोल्डेड साइड है, ये हमारी ओपन साइड है। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस साइड में भी हमारा ये 2.5 इंच पे आएगा। अब ये निशान है और ये निशान, इसको हम इस तरह से राउंड में ऐसे मिला लेंगे। यहाँ पर ये राउंड में मैंने यहाँ पर मिला दिया है। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। जैसे ये पार्ट है, इसको हम कट कर लेंगे। अब ये कटिंग हो गई है हमारी। इस तरह से इस पीस को हम इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद इस तरह से हमारा ये पीस बन गया है। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब ये सिलाई मैंने ऐसे लगा दी है, तो ये हमारा राउंड में है। यहाँ से हम सिलाई के पास से ऐसे कट लगा लेंगे। ये दोनों साइड में मैंने कट लगा दिए हैं। अब यहाँ से हम सीधा करेंगे इस पीस को। ये कपड़ा मैंने सीधा कर दिया है। यहाँ पे हम आयरन कर लेंगे, जिससे ये हमारी सिलाई एकदम अच्छे से बैठ जाएगी। अब यहाँ पे हमें किनारे से सिलाई लगानी है, एकदम फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। अब ये सिलाई मैंने लगा दी है साइड में, इस तरह से लगाएंगे हम। ये साइड है हमारी, यहाँ से हम 1 या 1.25 इंच पे ऐसे 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.2 इंच पे इस तरह से सारे में ऐसे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारी फ्रिल बनेगी। ये पूरे में इसी तरह हम निशान लगा के ये रेडी करते हैं। अब ये निशान मैंने लगा दिया है, एक बराबर हमारा लगना चाहिए। ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया है। अब ये लाइन मैंने लगाई है, यहाँ पे हम मशीन का बड़ा टांका कर लेंगे और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है बड़ा टांका करके। ये सिलाई मैंने लगा दी है, दो सिलाइयाँ लगाई हैं यहाँ से। यहाँ से हम ये धागे खींचेंगे, ये ऊपर के खींच लेंगे या नीचे के। दो धागे, दो सिलाइयाँ लगाई हैं, दो में थोड़ा हमारा अच्छे से हो जाता है। इस तरह से ऊपर के धागे हमें ऐसे पकड़ लेने हैं और इस तरह से खींचने हैं, तो ये हमारे प्लीट्स आ जाएंगे। इस तरह से फ्रिल बनेगी हमारी। ये ऐसे हम खींचते हैं। ये मैंने एक साइड का धागा खींच के इस तरह से, यहाँ सेंटर है, हम यहाँ तक प्लीट डाले हैं। अब दूसरी साइड का भी हम इस तरह से धागा खींचेंगे, ऊपर का धागा। अब ये प्लीट हमारे पड़ गए हैं इस तरह से। यहाँ से हमें इनको बराबर कर लेना है इस तरह से। ये सेंटर पॉइंट इसीलिए लगाया है, दोनों साइड से हमारा बराबर आना चाहिए ये जो प्लीट्स पड़े हैं। ये हमारा सेंटर है, यहाँ से हम देख लेंगे इस तरह से हमारे बराबर आ जाने चाहिए दोनों साइड के। अब ये प्लीट हम इतने डालेंगे, जैसे हमारा ये 10 इंच आना चाहिए यहाँ पे, 10 इंच। जैसे अगर आपको अपने बेबी के हिसाब से बनाना है तो एक कान में यहाँ से लगा के देखेंगे और दूसरे कान तक जितनी लंबाई आएगी उतना हम यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं 10 इंच रख रही हूँ। ये हमारा 10 इंच यहाँ तक है। अब ये हमारी सिलाई इस तरह से दिख रही है, तो यहाँ पे हम एक पाइपिंग लगा देंगे इसी कपड़े की, या फिर हमारे पास अगर ऐसी कोई लेस है तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे, जिससे कि हमारी ये सिलाई भी ढक जाएगी और ये हमारी कैप भी बहुत सुंदर लगेगी इस तरह से लेस लगाने से। अब ये लेस लगाएंगे, यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे हमारी दो सिलाई आ जाएंगी इसके ऊपर, तो लेस को अटैच करते हैं यहाँ पर। अब ये लेस मैंने अटैच कर दी है यहाँ पर, इस तरह से हमारी ये बैक साइड आई है। ये हमारी इस तरह से लग गई है फ्रिल, इसमें से हमारी फ्रिल बन गई है। अब इसके बाद हमारा ये पार्ट है, इसको हम डोरी लगाएंगे। तो ये हमारा इसका ये सेंटर पॉइंट है। जैसे ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे हम इस तरह से प्लीट डालेंगे और यहाँ पे मैं पिन लगाऊंगी। एक और प्लीट डालेंगे हम इसी तरह से। अब ये प्लीट मैंने डाल दिए हैं। ये प्लीट हम इतने डालेंगे, जैसे कि ये कपड़ा भी हमारा 10 इंच रह जाना चाहिए ये प्लीट डालने के बाद, तो 10 इंच की कपड़ा रहना चाहिए, उतने प्लीट्स हम डालेंगे यहाँ पर। अब ये प्लीट्स मैंने डाल दिए हैं, यहाँ पर हम सिलाई लगा के ये प्लीट्स सेट कर लेंगे। अब ये सिलाई लगा दी है, ये प्लीट्स हमारे इस तरह से आए हैं।
अब यहाँ पे हमें एक और पट्टी लगानी है, तो ये मैंने एक स्ट्रिप्स ली है। ये स्ट्रिप्स हमारी यहाँ से 1.5 इंच है, लंबे में हम ज़्यादा ही लेंगे। जैसे ये मैंने ली है 14 इंच, तो डबल हमारी करके 28 इंच हो जाएगी। इसका हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे, दोनों साइड से कट कर लेंगे। अब ये हमारी पट्टी का सेंटर पॉइंट है और ये हमारी कैप का सेंटर पॉइंट है, तो इसको हम ऐसे ही लगाएंगे। ये इस तरह से आएगा हमारी सीधी साइड, तो यहाँ से हम सेंटर से सेंटर मिला लेंगे इस तरह से। ये पट्टी हमारी यहाँ तक जुड़ेगी, ये साइड में भी और ये साइड में भी। तो यहाँ पे सिलाई लगाती हूँ मैं। अब ये सिलाई मैंने लगा दी है यहाँ तक। अब इस पट्टी को हम इस तरह से ऐसे निकालेंगे यहाँ पे। अब ये स्ट्रिप्स हमारी इस तरह से आ गई है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से एक और फोल्ड करेंगे ऐसे। यहाँ पे मैं पिन लगाती हूँ, ये पिन मैंने लगा दी है। अब ये भी हम फोल्ड करके, ये हमारा कपड़ा है यहाँ, ये हमारी सिलाई है, इसके बराबर हमें फोल्ड करना है यहाँ पे, ये साइड में भी। ये पिन लगा के मैंने फोल्ड कर दिया है कपड़ा। अब ये हमारा बांधने का डोरी भी इसी में आएगा, तो इसको भी हम इसी तरह फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई मैंने लगा दी है, ये हमारी डोरी भी इसी में आ गई है बांधने की। तो ये कैप हमारी इस तरह से इतनी बन गई है। अब ये डोरी हमारी इस तरह से लग रही है, यहाँ पे हम ऐसे फ्लावर से बना के लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, ये हमारा 2.5 इंच है यहाँ से, और यहाँ से भी हमारा ये 2.5 इंच है। अब इस कपड़े को हम ऐसे तिरछा काट लेंगे इस तरह से। अब ये हमारे दो पीस बन गए हैं। ये हमारे पास ये लेस है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे दोनों पे। अब ये लेस मैंने लगा दी है, इसी तरह हमें लगा लेनी है एक सिलाई करके। ये हमारी डोरी है, तो इसको हम इसी तरह रखेंगे, ये भी पार्ट इसी तरह रखेंगे और ये कॉर्नर में ऐसे रख के इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है यहाँ तक, डबल सिलाई लगाएंगे हम। ये सिलाई मैंने लगा दी है यहाँ पर इस तरह से। अब ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे, ये हमारा इस तरह से सीधा कर लेंगे इस तरह फोल्ड करके। तो ये हमारा एक लटकन जैसी रेडी हो जाएगी। अब देखिए हमारे ये दोनों लटकन भी लग गए हैं इस तरह, ये हमारे मैचिंग हो गए हैं दोनों। अब देखिए हमारा ये कैप बनके रेडी हो गया है, ये इस तरह से हमारा आएगा, बेबी का यहाँ पे हेड आएगा इस तरह से, और ये हम बांध लेंगे ऐसे। तो ये फ्रिल हमारी बेबी के फेस पे आएगी इस तरह, बहुत ही प्यारी लगती है देखने में। ये देखिए हमारा, ये हमारी बैक साइड है। देखिए हमारी ये न्यू बोर्न बेबी के लिए कैप बनके रेडी हो गई है। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।